हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के एडिटोरियल्स देख लेते हैं। तो ये वाला आर्टिकल जो है वो चाइल्ड ब्राइड पे है, ठीक है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है सैटरडे के इस वाले आर्टिकल्स में, ग्राउंड जीरो वाले में। तो ये अगर आप खाली बैठे हो तो आप तब पढ़ सकते हो। बाकी अभी हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एपिसोडिक जस्टिस है। ये अभी अबू सलेम को जो है अभी 25 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। और फिर ये नेक्स्ट है नोवेयर पीपल, ठीक है। तो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स पर बेस्ड है। फिर से रोहिंग्या मुस्लिम बहुत बहुत टाइम से डिस्कस हो रहा है। तो इसमें जो है जब भी कुछ नया ऐड होता है, कोई नई डेवलपमेंट होती है, तो फिर से एक एडिटोरियल आ जाता है। तो इसमें देख लेंगे क्या नया ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल है ऑल दैट डेटा दैट आधार कैप्चर्स। अब इसमें कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड जजमेंट दिया था, ठीक है। तो उसको जो है इन्होंने आधार के साथ रिलेट किया है कि क्या हमारा आधार का डेटा जो है वो सेफ है, नहीं सेफ है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है, ये सब इस आर्टिकल में मेंशन किया है। उसके बाद इंडिकेटर्स दैट मैटर्स, तो इसमें जो है हेल्थ को लेके है। जैसे अभी गोरखपुर में कुछ 70+ बच्चे थे, और फर्रुखाबाद में जो है कुछ 47 या 49 बच्चे अभी लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से जो है उनकी डेथ हो गई है। तो ये एक तरह से मतलब, और अभी कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त के आसपास गोरखपुर में हुआ है, और अभी रिसेंटली फर्रुखाबाद में हो गया, मतलब एक महीने के अंदर ही अंदर। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की क्या वो उनकी एक तरह से जो पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग है, और किस तरह से वो पब्लिक हेल्थ को टैकल कर रहे हैं, तो ये सब इस आर्टिकल में डिस्कस है। बाकी दूसरे कंट्री के मॉडल्स भी इसमें डिस्कस हैं कि तरह तरह अलग अलग कंट्रीज़ के मॉडल्स इसमें बताए हैं, जो बेस्ट सुटेबल है वो हम अपनी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो है एपिसोडिक जस्टिस, ठीक है। तो ये अबू सलेम से रिलेटेड है, और मुंबई सीरियल ब्लास्ट में जो है कई लोगों की जान गई थी। तो मार्च 12, 1993 में ये ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि द क्राइम ऑल्टर्ड द कंट्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो इन ब्लास्ट के बाद जो है हमारी जो कंप्लीट इंडिया की सिक्योरिटी का परसेप्शन था हमारे दिमाग में, जो हम सोचते थे कि इंडिया में सिक्योरिटी के ये इंतजाम है, बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया था, ठीक है। तो अभी जो है 2015 में एक को फांसी दी गई है, याकूब मेनन को फांसी दी गई थी। तो उसके बाद जो है वाइल 28 आर सर्विंग लाइफ टर्म्स, ठीक है, विद अबू सलेम बीइंग एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम पोर्टुगल इन 2005। तो इसको जो है पोर्टुगल गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था 2005 में। एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है हैंड ओवर। तो उसके बाद दिस वीक टू मोर, अब इसी हफ्ते जो है दो लोगों को और डेथ सेंटेंस मिली है, तो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट कन्फर्मेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे टू सेंटेंस टू स्पेंड देयर लाइफ इन जेल, वन हैज़ बीन एक्यूटेड, मतलब इसको जो है निर्दोष पाया गया। अनदर गिवन अ 10 ईयर टर्म वाइल अ थर्ड ईयर, ये बाकी उनको जो जो मिला है उनकी टर्म्स है। फ्यू वुड अच्छा यहाँ पे व्हेन द ट्रायल कोर्ट से पनिशमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू डेप्रेविटी एंड ग्रेविटी ऑफ द क्राइम एंड टेकिंग अ लीनियंट व्यू, मतलब इन टेररिस्ट पे अगर लीनियंट व्यू से अगर देखेंगे ना, तो मतलब ये बहुत ज्यादती होगी इंसानियत के साथ, ठीक है। तो पनिशमेंट इनको मिलनी ही चाहिए। उसके बाद ट्रायल टुक प्लेस टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो ये होता है टाडा एक्ट। तो उसके उसके अंडर विच अलाउज कन्फेशन, जिसमें अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के सामने भी अगर कन्फेशन कर दिया ना, तो उसको एविडेंस माना जाता है। तो ये है आउटकम ऑफ सेकेंड ट्रायल हैज फ्यू सरप्राइजेस, विद द कंडीशन ऑफ हिज एक्सट्रेडिशन प्रोहिबिटिंग, मतलब ये जब इसको हैंड ओवर किया गया था ना, तो पोर्टुगीज गवर्नमेंट से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि इसको हम डेथ सेंटेंस नहीं देंगे, इसको हम मारेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं, वरना इसको भी डेथ सेंटेंस मिलती। तो सलेम हैज़ बीन हैंडेड डाउन अ लाइफ सेंटेंस, इसको डिस्पाइट प्लेइंग अ मेजर रोल इन द, जबकि इसका मेजर रोल था, इसका और एक और था, प्लेइंग अ मेजर रोल इन द कॉन्स्पिरेसी बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रांस, इसने क्या किया था, आर्म्स एंड एम्यूनेशन को, बंदूक हथियार वगैरह को ट्रांसपोर्ट करवाया था गुजरात से। तो इन द नॉर्मल कोर्स द प्रोसिक्यूशन वुड हैव आस्क्ड फॉर डेथ पेनल्टी, इन द नॉर्मल कोर्स द प्रोसिक्यूशन वुड हैव आस्क्ड फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर हिम टू, देयर सीम्स टू सम कॉन्ट्रोवर्सी ओवर, मतलब इसको लाइफ टर्म, इस जो मेन कॉन्स्पिरेटर था उसको लाइफ टर्म मिल रही है, ये सिर्फ इस प्रॉमिस की वजह से जो इन्होंने पोर्टुगीज गवर्नमेंट को जो है प्रॉमिस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इंडियन गवर्नमेंट के अब हाथ बंधे हुए हैं ना, तो इसको हम सजा दे सकते हैं, बट सिर्फ लाइफ सेंटेंस ही दे सकते हैं। इंडिया हैड अश्योर्ड पोर्टुगीज अथॉरिटी दैट ही वुड नॉट बी सेंटेंस, उसमें भी देखो ही वुड नॉट बी सेंटेंस टू अ जेल टर्म बियॉन्ड 25 ईयर्स, 25 साल से ज़्यादा हम उसको सजा नहीं दे सकते। तो इसलिए इसीलिए इसको 25 ईयर्स की जो है वो इम्प्रिजनमेंट हुई है। सच अ कंडीशन इज बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव एंड एट सम स्टेज द गवर्नमेंट मे हैव टू कम्यून द लाइफ टर्म एंड एंश्योर दैट हिज इम्प्रिजनमेंट डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट, ठीक है। कन्विक्शन एट द एंड ऑफ ट्रायल इन हीनियस क्राइम यूजली लीव, ये तो खैर छोड़ो, इन दिस केस द एंड ऑफ द ट्रायल, मतलब यही है कि
एक इसमें जो है एक चीज़ और है, दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन, तो ये भी दोनों जो है ये मेन ब्रेन थे, मतलब मेन ब्रेन थे, मतलब ये मास्टर माइंड थे. तो बिहाइंड द सीरियल एक्सप्लोजन जो यहाँ पे सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके, ये भी मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, वही वही होगा, मास्टर माइंड ही है. तो मास्टर माइंड ये भी थे उसमें, रिमेन आउट ऑफ, लेकिन ये अभी तक जो है लॉ के अंडर नहीं आए, लॉ की अभी तक पहुँच से बाहर हैं, तो इनको भी मतलब सजा मिलनी चाहिए. दे हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट अ थर्ड ट्रायल. तो इसके कुछ फैक्ट्स मैंने नेट पे सर्च करके निकाले हैं. तो ये 10 पॉइंट्स हैं, तो ये आप देख लीजिए. इसमें स्पेशल कोर्ट हैज़ ऑल्सो स्लैप्ड अ फाइन ऑफ इतना ऑन अबू सलेम एंड करीमुल्ला खान, ठीक है. दे हैव बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर, सप्लाइंग आर्म्स एंड अदर सीरियस ऑफेंसेस. 6 मैन वर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जून. तो इन पे फाइन भी लगा है. और उसके बाद अबू सलेम वॉज एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम पोर्टुगल इन 2005 एंड कैन नॉट बी सेंटेंस टू डेथ बिकॉज ऑफ अ गारंटी टू पोर्टुगीज. इंडियन गवर्नमेंट ने जो है पोर्टुगीज गवर्नमेंट को ये गारंटी दी है कि इसको मारेंगे नहीं हम, और 25 साल से ज़्यादा इसको सज़ा भी नहीं होगी, तो उसको 25 साल ही सजा दी है. सलेम वॉज द मास्टर माइंड ऑफ द ब्लास्ट अलॉन्ग विद मुस्तफ़ा दोसा, हु वॉज एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम, इसको UAE से एक्सट्रेडिट किया गया था. दोसा डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक आफ्टर हिज कन्विक्शन इन जून. चलो अच्छा ही हुआ. अ नंबर ऑफ अदर अक्यूज्ड इन द केस इंक्लूडिंग इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, ये तो अभी भी फरार है. इन 2007 एंटी टेररिज्म कोर्ट कन्विक्टेड इतने लोग, ऑफ विच 23 वर लेटर एक्यूटेड. तो अमंग दीज कन्विक्ट, उसमें वो याकूब मेनन को जो है 2015 में हैंग कर दिया गया था. और आफ्टर अ हिस्टोरिक मिडल ऑफ द नाइट हियरिंग, रात में मतलब बीच रात में हियरिंग हुई थी, इन विच सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड हिज फाइनल अपील अगेंस्ट डेथ. उसके बाद यहाँ पे 13 ब्लास्ट हुए थे एक के बाद एक करके, तो मुंबई में अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन पे. तो 12 मार्च 1993 डेट है. उसके बाद ये जगह है, कम से करीब 27 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो गई थी. तो अच्छा, इसमें अबू सलेम एक्यूज्ड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग वेपन्स फ्रॉम गुजरात टू मुंबई, वॉज अरेस्टेड इन 2002 में अरेस्ट हुआ था, 2005 में जो है एक्सट्राडाइट किया गया था, इसका एक्सट्रेडिशन हुआ था. और उसके बाद जो है सीन एज वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर. अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इन 2007 एंटी टेररिज्म कोर्ट कन्विक्टेड 100 पीपल, ऑफ विच 23 वर लेटर एक्विटेड. एक्विटेड का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, ठीक है. तो उसके बाद ये हो गया, उसके बाद 27 करोड़ की प्रॉपर्टी कम से कम इन्होंने डैमेज करी है. उसके बाद द कोर्ट सेड इट वॉज प्रूव दैट सलीम डिलीवर्ड वेपन्स टू एक्टर संजय दत्त, हु वॉज कन्विक्टेड एंड सर्व्ड अ जेल टर्म फॉर कीपिंग ये हथियार, ठीक है, एट हिज होम. तो द कोर्ट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ 800 विटनेसेस, 3 इंक्लूडिंग अबू सलीम हैड कन्फेस्ड टू देयर क्राइम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. तो इतने सालों बाद, 24 साल बाद आया है इसका नतीजा. खैर, उसके बाद नोवेयर पीपल, ये अगेन रोहिंग्या क्राइसिस पे हुआ है. अब देखिए, इससे इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेना चाहती हूँ, वो ये है कि अभी रिसेंटली जो है इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया है बाली डिक्लेरेशन को का पार्ट बनने से. अडॉप्टेड एट कंक्लूजन ऑफ, मतलब ये वर्ल्ड पार्लियामेंट्री फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई थी बाली इंडोनेशिया में, तो उसका आउटकम था ये बाली डिक्लेरेशन, ठीक है. तो बाली डिक्लेरेशन क्या कह रहा है कि मतलब इसके हिसाब से इंडिया ने इसको अडॉप्ट करने से मना कर दिया, इसको मतलब इसका पार्ट बनने से मना कर दिया है. तो दिस डिक्लेरेशन कॉल्स ऑन ऑल पार्टीज, ठीक है, टू कंट्रीब्यूट द रीस्टोरेशन ऑफ. अब इसमें जो है ना ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, लेकिन इसमें जो है रखीन स्टेट का मैटर इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है. तो रीस्टोरेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एक्सरसाइज, मैक्सिमम सेल्फ रिस्ट्रेंट फ्रॉम यूजिंग वायलेंट मीन, ये सब आप पढ़ते रहना. रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट ऑफ ऑल पीपल, देखिए, कॉल ऑन ऑल पार्टीज टू कंट्रीब्यूट टू रीस्टोरेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एक्सरसाइज, मैक्सिमम सेल्फ रिस्ट्रेंट फ्रॉम यूजिंग वायलेंट मीन्स, रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल पीपल इन रखीन स्टेट, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ एंड एथनिसिटी, एंड फैसिलिटेट सेफ एक्सेस टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. अब इंडिया ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया है कि यहाँ पे जो है, अभी आपको याद होगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अभी कुछ कुछ वो जो कौन से मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है ये बात बोली थी कि जितने भी रोहिंग्याज हैं, 40,000 लोग कम से कम, उनको वापस म्यांमार डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स से, तो उन्होंने बोला था कि 40,000 म्यांमार मतलब रोहिंग्याज को जो वापस म्यांमार, उस दिन हम पढ़ रहे थे कि जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो उसमें क्या क्या, तो ये सब था कि अभी ये उनका स्टैंड है गवर्नमेंट का कि वो तो डिपोर्ट करने के, और मोरोवर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो म्यांमार गवर्नमेंट की साइड है, ठीक है. तो एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से जो है इंडियन गवर्नमेंट मतलब
ह्यूमैनिटी का साथ ना देके म्यांमार गवर्नमेंट का साथ दे रही है। तो यही इसी के चलते जो है इंडिया ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि भाई द पर्पस ऑफ कन्वेनिंग पार्लियामेंट्री फोरम, जो ये आप वर्ल्ड पार्लियामेंट्री फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवा रहे हो ना, ये तो जो है वॉज टू अराइव एट म्यूचुअल कंसेंसस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG। देखिए ये तो SDG के लिए है, तो आप इसमें रखीन स्टेट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, और मोरओवर हाँ वही रखीन स्टेट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, विच रिक्वायर्ड इंक्लूसिव एंड ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, देयर फॉर इंडिया कंसिडर इट एज इन अप्रोप्रिएट एंड नॉट कंसेंसिस बेस्ड। सबकी कंसेंसिस नहीं लिया है, कुछ कंट्रीज के लिए है खाली। द कंट्री स्पेसिफिक अमेंडमेंट टू डिक्लेरेशन एडेड एट द 11th आवर बाई सिलेक्टिव कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे सबकी कंसेंसिस नहीं लिया है, डायल्यूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज फोरम्स विच रिक्वायर्ड, मतलब यही बोला कि इन फोरम्स में मतलब अगर अगर ये इतने सारे मतलब मेम्बर्स हैं इसमें, ठीक है, आप कुछ सिलेक्टिव मेम्बर्स के साथ अपनी एक तरह से किसी चीज़ कोई किसी चीज़ पे डिसीजन लेना, तो वो आप जो है कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज़ को सिलेक्ट करके उनके साथ डिस्कस करके आप एक डिसीजन ले रहे हो, और वो भी जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि म्यूचुअल कंसेंसस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG, मतलब SDG को इम्प्लीमेंट करो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और आप जो है उससे भटक रहे हो। तो ये इनअप्रोप्रिएट है, नॉट कंसेंसस बेस्ड है। तो उसके बाद जो है इन्होंने इसलिए इस बेसिस पे जो है ना इंडिया इंडिया ने मना कर दिया। और मोरओवर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट, अभी आपने देखा ही होगा नरेंद्र मोदी जो है वो म्यांमार होके आए हैं, तो यही चीज़ है कि नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जो एक्सट्रीमिज्म मतलब एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म है उसके अगेंस्ट है, टेररिज्म के अगेंस्ट तो इंडिया हमेशा ही खड़ा होता है। तो जो टेररिज्म है, अब ये नहीं है ना कि सारे रोहिंग्याज ही कल्प्रिट हो या सारे रोहिंग्याज ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, पर उसमें से कुछ लोग, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है। तो एक तरह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड था कि जो 40,000 इंडिया में आए हैं रोहिंग्याज उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई, मतलब उन्होंने अपनी पिटिशन फाइल करी कि इंडिया जो मतलब बाउंड है आर्टिकल 14, कौन कौन से आर्टिकल थे, आर्टिकल 14, 21 एंड 51 के अंडर, ठीक है, तो इंडिया जो है वो बाउंड है कि हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, तो इस बात पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड वही था कि उनको डिपोर्ट करने वाला। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो इंडिया ने जो है बाली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, उसका पार्ट बनने से मना कर दिया। अब आगे एडिटोरियल देखते हैं। तो रोहिंग्याज आर स्टेटलेस पीपल, इंडिया मस्ट फैक्टर दिस, ठीक है, इन डीलिंग, ठीक है, ये सब ठीक है। इंडिया टुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर टू स्टे ऑन म्यांमार्स राइट साइड दिस वीक बाय रेजिस्टिंग एनी शो ऑफ सिंपैथी, मतलब रोहिंग्याज के लिए कोई सिंपैथी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, ऑन हिज बायलेटरल, नरेंद्र मोदी की म्यांमार में जो है वो बायलेटरल, फर्स्ट बायलेटरल विजिट थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी सेड ही शेयर्ड म्यांमार गवर्नमेंट कंसर्न अबाउट एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, जो मैं आपको बता रही थी, इन रखीन स्टेट। उसके बाद ये देखिए, ये इसी पार्लियामेंट्री फोरम की बात हो रही है, तो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन एब्सटेंड, ठीक है, एब्सटेंड मतलब रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब प्रिवेंट कुछ खुद को मतलब रोकना, ठीक है, फ्रॉम बाली डिक्लेरेशन बिकॉज ऑफ रेफरेंस, इसमें ये वर्ड्स यूज किए हैं, वायलेंस इन रखीन स्टेट को रेफर किया है इन्होंने। उसके बाद न्यू दिल्ली हैज़ ट्रेडिशनली बीन वेरी मीन्स होता है कीन कॉशन, मतलब एक बहुत ध्यान रखना कि कोई इसका अड़ोसी पड़ोसी है तो उसका जो इंटरनल अफेयर है उसको इंटरनेशनलाइज ना किया जाए, मतलब कोई कंट्री है उसका कोई इंटरनल मैटर है उसको पूरी दुनिया के सामने उछाला ना जाए, उसका तमाशा ना बनाया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम दूसरे आस्पेक्ट से देखते हैं तो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ ज्यादती तो हो ही रही है, उनके लिए कौन स्टैंड लेगा, ये बात है। तो खैर इंडियन गवर्नमेंट जो है फिलहाल अपने नेबर का साथ दे रही है और उनके इंटरनल अफेयर्स को जो है इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाह रही है। इट हैज़ कंसर्न अबाउट कीपिंग द कंट्री फ्रॉम स्पिनिंग बैक, मतलब एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों म्यांमार को अपनी साइड पर रखना है, क्योंकि चाइना जहाँ मौका देखता है छोड़ता नहीं है, तो चाइना फिर जो है इसमें चाइना म्यांमार की सिंपैथी गेन कर सकता है, तो इसलिए जो है चाइना को एक हाथ के डिस्टेंस पर रखने के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट, एक ये भी फैक्टर हो सकता है, स्पिनिंग बैक इनटू चाइनीज ऑर्बिट, बट इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ ह्यूमन पोजीशन व्हाइल व्हेन डीलिंग विद रिफ्यूजी, मतलब एक हमें ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से भी देखना चाहिए, सिक्योरिटी मतलब ठीक, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस आप देख रहे हो, लेकिन एक सब सब लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है ना, सब लोग तो नहीं टेररिस्ट हैं, तो दैट इज स्टेटलेस एंड हैज़ नो प्लेस टू कॉल होम। तो यही है कि बाकी रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं तो गवर्नमेंट काउंसिल रिफ्यूज टू गारंटी दे वुड नॉट बी डिपोर्टेड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इन गवर्नमेंट इंडिकेशन टू पार्लियामेंट लास्ट मंथ दैट ऑल इलीगल इंक्लूडिंग द रोहिंग्या हुज नंबर अराउंड 40,000 विल बी डिपोर्टेड, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद यह है कि अभी कुछ 25 अगस्त के बाद से जो है एक्सोडस मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ पीपल इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, स्पेशली रिफ्यूजीज, तो ये जो है 25 अगस्त से जो है इसकी इंक्रीज हो गई है स्पीड। उसके बाद UN एस्टिमेटेड दैट अबाउट 270,000 मतलब 270,000 पीपल, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ एंटायर मुस्लिम रोहिंग्या पॉपुलेशन इन रखीन, 270,000 पीपल, ठीक है, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ एंटायर मुस्लिम रोहिंग्या, जितनी
जितनी वहाँ पे रखीन स्टेट में रोहिंग्या पॉपुलेशन की, मतलब रोहिंग्या पॉपुलेशन के में जितने मुस्लिम्स हैं उसका 1/4 जो है वो अभी तक इधर उधर मूव कर चुका है. तो बांग्लादेश में उसका मोस्टली टू बांग्लादेश, ठीक है. तो द रोहिंग्या हैव बीन अल्टीमेट नो वेयर पीपल, मतलब 1982 से जो है उनका कोई अपना स्टेट नहीं है, कोई अपना घर नहीं है. मैंने बर्मीज लॉ रेंडर्ड देम स्टेटलेस. तो बर्मीज लॉ, यहाँ पे कौन से लॉ की बात हो रही है ये लॉ, या आप लोग मुझे बताइए. उसके बाद विद द गवर्नमेंट आर्ग्यूइंग दैट दे आर बंगाली, तो म्यांमार गवर्नमेंट क्या आर्ग्यू कर रही है कि वो जो है बंगाली है, ये जो रोहिंग्याज हैं ये बंगाली हैं. रोहिंग्याज कहते हैं हम बंगाली नहीं है, हम बर्मीज हैं, हमारी इतनी जनरेशन यहाँ पे रह रही है. तो आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज़ है. वायलेंस हैज़ टारगेटेड दम इन फेस, ठीक है. ये सब हो गया. इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट फोर्स दम आउट इन थाउजेंड. उसके बाद 2015 में जो है द बर्मीज सेंसेस रिफ्यूज टू इन्यूमरेट द रोहिंग्या, इनको रिकोगनाइज करने में, गिविंग दम ओनली द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई दमसेल्स एज, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये बंगाली है, बस इतना ही याद रखिए. बाकी इनकी बात हम कर चुके हैं काफ़ी बार. नोबेल पीस प्राइज आंग सन सुई सू ची, इनके टेन्योर के दौरान ये सब हो रहा है. ये बहुत ही एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है और जबकि इनकी कंट्री में ही इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं. तो किसी ने इसको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा है, किसी ने उसे इसे एथनिक क्लेंजिंग कहा है. तो बैकड्रॉप शुड वरी दिल्ली नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ऑफिशियल स्टांस कास्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ह्यूमन फॉल्स, मतलब ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट से देखें तो इंडिया गलत साइड पर खड़ा है, लेकिन अगर जो है हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से देखें तो फिर इंडिया सही खड़ा है, सही पोजिशन पर खड़ा है. उसके बाद एज ए रीजनल पार्टनर, यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया है, इंडिया मस्ट आंसर द क्वेश्चन इफ इट इज ड्राइविंग आउट अ स्टेटलेस पीपल, अगर ये ऐसे स्टेटलेस पीपल को जो है बाहर निकाल रहा है, वेयर डज इट होप टू सेंड देम, कहाँ भेजना चाहता है, ये क्वेश्चन इन्होंने पुट किया है ऑथर ने. उसके बाद ये जो है ठीक है, अब आधार वाला टॉपिक कर लेते हैं. तो आधार के लिए जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है. तो इसको जो है राइट टू प्राइवेसी वाला कि प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है. तो गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट इनिशियली जो है वो इसके अगेंस्ट थी, पर जैसे ही ये जजमेंट आया तो इसके फेवर में हो गई, ठीक है. उसके बाद जो है आधार सबसे बड़ा, मतलब प्राइवेसी पर सबसे बड़ा थ्रेट है. कैसे थ्रेट है, तो देखो तीन तरह की, थ्री टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है. प्राइवेट इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, पहली होती है बायोमेट्रिक इन्फो, दूसरी होती है आइडेंटिटी, ठीक है, और तीसरी होती है पर्सनल इन्फो. क्या क्या आता है ये देख लेते हैं एक बार. इसमें तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स और एरिस स्कैन और ये सब आ गया बायोमेट्रिक, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा. आइडेंटिटी में क्या आता है, आइडेंटिटी में आता है बायोमेट्रिक प्लस प्लस क्या, प्लस आधार नंबर और प्लस डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक. डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आपके घर, आपका नाम, आपके घर का नाम, आपके घर का पता, और आप मतलब पापा का नाम, आपकी एज, फलाना वलाना. तो ऐसे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो आप पूछा जाता है जब फॉर्म फिल करते हैं आप लोग आधार के लिए. तो उसके बाद और पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो क्या होती है ये हम आगे देखते हैं. तो बेसिकली क्या है कि इसको जो है ये, अच्छा बता ही देती हूँ, ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितना आप फ़ोन पे बात करते हैं, कहाँ कहाँ, वेयर यू वॉन्ट, यू यूजली ट्रैवल, तो उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, आपकी कॉलिंग हिस्ट्री हो गई. तो ये सब चीज़ें जो है पर्सनल में आती हैं. तो अब देखो ये दोनों जो है ये आधार एक्ट में मैंशनड हैं, ठीक है. इसके लिए जो है सेफगार्ड्स हैं, सेफगार्ड्स इसके लिए मेंशन हैं आधार एक्ट में, लेकिन इसके लिए जो थर्ड वन है ये पर्सनल, इसके लिए कोई सेफगार्ड नहीं है, ठीक है. तो ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट किया जा सकता है, यहाँ पे प्राइवेसी को मिसयूज किया जा सकता है. और इसमें भी जो है वो कुछ कुछ इतने खास नहीं है, अभी आगे देखते हैं कैसे क्या है. तो उसके बाद देखिए ये आर्टिकल है, उसके बाद यही द गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली चेंज्ड गियर एंड वेलकम द जजमेंट वगैरह वगैरह. प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, आधार एक्ट इज बेस्ड ऑन प्रिमाइस दैट प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में देखिए यही है कि आधार इन इट्स करेंट फॉर्म इज अ मेजर थ्रेट टू फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी. उसके बाद बताया है कि द कॉमन परसेप्शन, देखिए ये CIDR क्या होता है, CIDR होता है सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी, मतलब जहाँ पे सबकी जो जानकारी है वो जमा हो रही है, तो वो CIDR है, ठीक है. इसके लिए जो है बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है वैसे कि देखिए लिखा है विद आधार इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ, मतलब इसको कॉन्फिडेंशियल रखने की भी बात करते हैं, और इज नॉट सब वन इज दैट CIDR इज नॉट सपोज टू बी इन एक्सेसिबल, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है. इसको एक तरफ जो है ये भी बोलते हैं कि इस ये जो है एक्सेसिबल नहीं, इसमें कोई एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है. और दूसरा ये भी बोलते हैं कि आधार एक्ट में जो है पुट इन प्लेस अ फ्रेमवर्क फॉर शेयरिंग मोस्ट ऑफ CIDR इंफॉर्मेशन,
ठीक है, तो दूसरी तरफ जो है आधार एक्ट के अंदर जो है ऐसा फ्रेमवर्क भी है जिसमें इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आगे देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द तीन इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले बताई। तो पहली दो जो है वो आधार एक्ट के अंदर डिफाइंड है, जो तीसरी है प्रोटेक्टेड टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक सेफ गार्ड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो तीसरी है आधार की बिगेस्ट थ्रेट टू प्राइवेसी वो है थर्ड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इन आधार एक्ट बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, अब जो पहली वाली है देखिए, ये वाली जो है बायोमेट्रिक, जैसे मैंने बताया था कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह वगैरह, तो इसमें क्या क्या है, आपका फोटोग्राफ, आपकी फिंगरप्रिंट, इरिस स्कैन, और भी कुछ चीज़ हो सकती है, जैसे जैसे कुछ भी, जैसे आपका पाम स्कैन कर सकते हैं, और उसको वो UID पे डिपेंड करता है, वो जो बोलेंगे वही इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये टर्म देख लीजिए कि कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी सारी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन माइनस फोटोग्राफ, क्योंकि फोटोग्राफ ऐसी है जो आपकी बायोमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये तो मतलब ये इसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड है, लेकिन वैसे अगर बायोमेट्रिक देखा जाए, जो जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं बिल्कुल यूनिक होते हैं, नेचुरल आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, तो फोटोग्राफ क्या है, फोटोग्राफ तो इसमें जो है कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है, बाकी सारी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन माइनस फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना क्योंकि आगे यूज़ होगी। उसके बाद जो है थर्ड है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी जैसे हम मैंने बोला था यहाँ पे, ये है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक होता है प्लस आधार होता है प्लस डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि इट इंक्लूड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो पर्सन आधार नंबर एज वेल एज डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट आर कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ आधार। जब आप आधार का एनरोलमेंट करवाते हो तो उस टाइम पे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उसमें जो दुनिया भर की डिटेल्स आप लिखते हो, पति का नाम, पिता का नाम, घर का एड्रेस, और जो भी चीज़ें लिखते हो, आपकी एज और वगैरह वगैरह, तो वो सब जो है वो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक में आती है। तो देखिए क्या क्या है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में, एक तो आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है सारी, ठीक है, प्लस आपका आधार नंबर है, प्लस आपकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जैसे देखिए नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, सो ऑन, ऐसे करके। उसके बाद जो अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात मैंने की थी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात की थी, तो इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये जो है एक्ट में मेंशन नहीं है, नॉट यूज्ड इन द एक्ट, ठीक है। कैन बी अंडरस्टूड इन अ ब्रॉडर सेंस विच इंक्लूड नॉट ओनली आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ही नहीं चाहिए इनको, बट इसमें मतलब आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ही इंक्लूड नहीं है, बट ऑल्सो अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, एक इंसान के बारे में बाकी सारी जो नॉलेज है, जैसे वो कहाँ ट्रैवल करता है, वेयर शी ट्रैवल्स, हुम शी टॉक्स टू ऑन द फोन, हाउ मच शी अर्न, वट शी बायज, ये सब स्टोर होता है उसमें। अब ये सब स्टोर कैसे होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये आगे देखते हैं। तो उसके बाद जो है कमिंग बैक टू प्राइवेसी, वन ऑब्वियस कंसर्न इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कमिंग बैक टू प्राइवेसी, वन ऑब्वियस कंसर्न इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वट एवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इंडिविजुअल मे नॉट, हो सकता है कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी हो, कॉल हिस्ट्री हो सकता है ऐसी हो कि वो नहीं शेयर करना चाहती हो, तो ये कंसर्न है, ठीक है। तो आधार एक्ट पुट इन प्लेस सम सेफ गार्ड इन दिस रिस्पेक्ट बट दे आर रेस्ट्रिक्टेड, मतलब आधार कार्ड में जो आधार एक्ट में जो सॉरी आधार एक्ट में जो सेफ गार्ड, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ बायोमेट्रिक और आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के लिए की गई है, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये कर लिया कि नहीं किया, नहीं अभी नहीं किया। तो शेयरिंग आइडेंटिटी डिटेल्स में देखिए कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोली थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेफ गार्ड क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब उसमें सबसे ज्यादा कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको क्या बताया था, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन माइनस फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ को हटा के, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस पे इतने टाइम से जो है ये एक्टिविस्ट ने जो है मीडिया में बात इतने इतनी टाइम से इसकी बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको सबसे स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड प्रोवाइड किया है, ठीक है। वेयर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज सपोज टू बी इनएक्सेसिबल, तो उसके बाद एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो उसके बाद ये सब ऐसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं, द आधार एक्ट पुट इन प्लेस ऑफ फ्रेमवर्क टू शेयर इट विद, मतलब ऐसा एक फ्रेमवर्क है, ये सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट है, तो ये जो है ऑथेंटिकेशन से डील कर रहा है, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि सेक्शन 8 ऑफ आधार एक्ट या पर्सनल इन्फो से डील कर रहा है आपकी, ठीक है, एक मिनट, हाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डील्स विद ऑथेंटिकेशन से डील कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए जैसे आपने कोई सिम किसी आपने कोई कंपनी से सिम कार्ड लिया, ठीक है, तो आपने आधार यूज़ करके, जैसे मान लो जियो से आपने किया, तो आपने उसको आधार कार्ड यहाँ पे दिया, और ये है आपका CIDR, जहाँ पे रिपॉजिटरी होती है, जहाँ पे सब कुछ जमा है, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी जमा है, ठीक है। तो आपने आधार कार्ड दिया, तो ये लोग जो है
यहाँ भेजेंगे सीआई क्लर्क से। पहले क्या था, इनिशियल फेज में क्या था कि ये पूछेंगे कि क्या ये मैच कर रहा है आधार कार्ड की डिटेल, येस और नो में आंसर आ जाता था, तो येस तो ठीक है, आपकी डिटेल्स नहीं आती थी, सिर्फ येस और नो में आंसर आता था। बाद में क्या किया इसमें अमेंड करके, मतलब इसमें जो जो देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन 8, व्हेन अंडरवेंट अ रेडिकल चेंज व्हेन द ड्राफ्ट ऑफ द एक्ट, जो पहले ड्राफ्ट बन रहा था ना, तो उसमें ये चीज़ थी कि येस और नो, लेकिन बाद में क्या किया, येस और नो तो हटा दिया, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ही मिल गई इनको, मतलब पूरी पूरी इस कंपनी को जो है आपकी पूरी 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 की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसके बारे में आगे भी देखेंगे एक बार और ये आएगा। तो उसके बाद देखिए फिर एज टू वेदर अ पर्सन आधार नंबर मैचेस वगैरह वगैरह, ये हो गया। ए पॉसिबल शेयरिंग ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन विद रिक्वेस्टिंग आइडेंटिटी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू गो थ्रू आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टू बाय अ सिम कार्ड फ्रॉम अ टेलीकॉम कंपनी, द कंपनी टिपिकली गेन एक्सेस टू यार, मतलब आपके बारे में, आपका नाम, आपका घर का पता, आपके आप मतलब घर का पता और बाकी सारी डिटेल्स जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ये सब जो है उनको इस कंपनी को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है, उसके बाद है कि इवन बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अदर देन कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड, मतलब जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी जो स्कैनिंग वगैरह, एरिस स्कैन और ये सब, तो उसके साथ फोटोग्राफ, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो भी जो है इन कंपनीज के साथ शेयर होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। सेक्शन 8 हैज़ समथिंग टू डू विद ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद, ठीक है, ये सब ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 में कुछ सेफ गार्ड ज़रूर हैं, और वो ये है कि पॉसिबल मिस यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छा एक चीज़ जो मैं बोल रही थी, यहाँ पे ये पर्सनल नहीं है, ये यहाँ पे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के लिए, सॉरी, ये मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि ये दोनों जो है बायोमेट्रिक और आइडेंटिटी जो है ये आधार एक्ट में है, पर्सनल तो आधार एक्ट में है ही नहीं, तो इसलिए सेफ गार्ड। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ठीक है, तो इसमें ये सेफ गार्ड दे रखा है कि अगर मिसयूज़ होने की संभावना होती है, अगर मिसयूज़ आपकी आइडेंटिटी मतलब एक पॉसिबल है मिसयूज़ होना, तो ये है कि रिक्वेस्टिंग एंटिटी, जो कंपनी की बात की मैंने, इज सपोज टू यूज़ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ओनली विद योर कंसेंट, ठीक है, एंड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन, तो बट लेकिन यही है, लेकिन वही है कि फिर वही बात आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस की, कोई को तो कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ बिना पढ़े टिक कर देते हैं हम लोग, तो वो चीज़ आ गई। उसके बाद माइनिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब बात आते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे इन दोनों की, बायोमेट्रिक और आइडेंटिटी की, ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्सनल की। तो पर्सनल में क्या है कि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने आधार नंबर अपना दिया रेल, मतलब इंडियन रेलवेज में, ठीक है, अ कंप्यूटराइज्ड रेलवे काउंटर्स, दिस मीन गवर्नमेंट विल हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ योर रेलवे जर्नी, आप हर बार जो है अपना आधार कार्ड ही देते हो, तो उनके पास सारा लिस्ट है तैयार कि आपने कब कितना कहाँ ट्रैवल किया, सब इंडियन रेलवे के पास आपकी डिटेल्स होंगी, ठीक है, कि उसके बाद द गवर्नमेंट कैन डू एग्जैक्टली वॉट इट लाइक्स विद दिस, इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ वो जो मर्जी वो कर सकती है। द धारा एक्ट गिव्स यू नो प्रोटेक्शन सिंस दिस इज़ नॉट आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आधार एक्ट जो है इसको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। सेम केस जो है जैसे इंडियन रेलवे का हुआ, वैसे ही सेम केस जो है सिम कार्ड्स के साथ है। जैसा हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया था, गवर्नमेंट विल हैव एक्सेस टू योर लाइफ टाइम कॉल रिकॉर्ड्स एंड इट विल ऑल्सो बी एबल टू लिंक योर कॉल रिकॉर्ड विद योर ट्रैवल, ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉल रिकॉर्ड को जो है वो ट्रैवल रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो द चेन कैन बी एक्सटेंडेड टू और भी चीज़ें, और भी बाकी आधार इनेबल्ड डेटाबेस के साथ जो है इसको कनेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, जैसे क्या स्कूल रिकॉर्ड हो गया, इनकम टैक्स रिकॉर्ड हो गया, पेंशन रिकॉर्ड हो गया एंड सो ऑन। तो वही है कि इतनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आधार इनेबल्स द गवर्नमेंट टू कलेक्ट एंड कोलेट ऑल दीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद वर्चुअली नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, धड़ाधड़ यूज करो। उसके बाद ये है, आधार इज अ टूल ऑफ न्यू पावर, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स न्यू पावर, मतलब माइनिंग, माइनिंग क्या होती है डेटा की, कि किसी के बारे में पूरी जान जांच पड़ताल निकाल लेना, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से पता कर लेना कि वो कहाँ कहाँ, मतलब एक तरह से माइन कर लेना उसका सारा डेटा, ठीक है। नथिंग इन आधार एक्ट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग आधार टू लिंक डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेसिस को, रिकॉल रिकॉर्ड्स को ट्रैवल रिकॉर्ड से लिंक करने में कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो गवर्नमेंट को रोक सके फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज डेटा बेसिस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैनी स्टेट गवर्नमेंट आर ऑलरेडी ऑन द जॉब एंड अंडर स्टेट रेसिडेंट डेटा हब प्रोजेक्ट, तो इसमें यही हो रहा है। उसके बाद अच्छा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो मैंने डिस्कस किया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप एक तरह से स्टेट सर्विलेंस समझ सकते हैं, ठीक है, इसको आप स्टेट सर्विलेंस मान के चल सकते हैं। तो उसके बाद ये हो गया, बस ये सब है। वट अबाउट प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी का क्या, जिनके पास अपने अपने डेटाबेस होते हैं, ठीक है, बट सम ऑफ देम डू नॉट डू हैव एक्सेस टू फेयर अमाउंट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर ओन डेटाबेसेस, इज मोर रेस्ट्रिक्टेड, बट सम ऑफ देम डू हैव एक्सेस टू अ फेयर अमाउंट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, उनके अपने डेटाबेसेस होते हैं, जैसे रिलायंस जियो के पास जो है 100 मिलियन इंडियंस का जो है डेटाबेस है, ठीक
ठीक है, हार्वेस्टेड फ्रॉम द सीआईडीआर व्हेन दे ऑथेंटिकेट देमसेल्फ टू बाय अ जियो सिम कार्ड। तो ये सब है बिग डेटा एनालिस्ट, यही होता है कि कौन कहाँ जा रहा है उसके बारे में सारी खबर निकाल लेना। आधार इज अ एंटीथीसिस ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो आधार जो है, इस कहने का मतलब पूरे आर्टिकल का समरी ये होगा कि राइट टू प्राइवेसी का बिल्कुल एंटी है आधार, तो प्राइवेसी तो है ही नहीं कहीं, तो एंटी है बिल्कुल। ये जो है उसका पूरा सार था। उसके बाद इंडिकेटर्स दैट मैटर्स, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ में जैसे वही मैंने बोला गोरखपुर और फारुखाबाद में अभी जो बच्चों की जाने चली गई हैं, तो ये देखिए जितने भी पिंक्स हैं ना, ये कुछ ना कुछ फैक्ट्स हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं जो आपको करना है करिए, लेकिन ये पिंक में फैक्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी, इंडिया हैज़ 154th रैंक, मच बिलो इन चाइना, श्रीलंका। श्रीलंका देखो, श्रीलंका और बांग्लादेश से बहुत पीछे हैं हम लोग हेल्थ के मामले में। तो ये जो है ऐसा स्टडी, ये वाली स्टडी बोल रही है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी। तो हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और बहुत सारे स्टेट जो हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, उसमें जो है कटौती करती रहती है। तो वही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बहुत मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 2002 से 2015 में जो है नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है कम हुए हैं, बढ़े नहीं है, कम हुए हैं। तो उसके बाद जो है, और उस यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर कम हुए हैं, वहाँ पे 25 to 30% जो है जनता बढ़ गई है। तो आप सोच रहे हो कितना बर्डन आ रहा है हॉस्पिटल्स पे, तो एक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज़्यादा बर्डन आ रहा है। एक जगह जो है आपके 25 to 30% लोग जो है वो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, और आपके जो नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बिकॉज हेल्थ हैज़ नेवर बीन अ पॉलिटिकल प्रायोरिटी इन द स्टेट, इट इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ एक्शन से ही जो है ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो उसको और आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक से जो है बचा जा सकता है। तो और एक दूसरा तरीका है कि सैनिटेशन इंप्रूव करो, हाइजीन इंप्रूव करो, तो उससे भी जो है इन्फेक्शियस डिसीज से जो है बचा जा सकता है। हेल्थ केयर कंटिन्यूज टू बी ट्रीटेड लाइक, मतलब उसको एक प्राइवेट गुड की तरह ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद ये दिया है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर मोस्ट गवर्नमेंट्स, यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मोस्ट गवर्नमेंट इन यूरोप बिकेम एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर। ठीक है, तो वहाँ पे जो है यूरोप में कुछ ज़्यादा ही हेल्थ पे जो है फोकस्ड हो गए। नेशनल हेल्थ सर्विस और पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम इन यूके सेट अप इन 19 बताओ 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, 1948 में वहाँ पे जो है नेशनल हेल्थ सर्विस सेटअप भी हो गया था। ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग नाउ अकाउंट्स 18 to 90% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग नाउ अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि एज पब्लिक हेल्थ केयर प्रोविजन बिकमिंग मोर लिमिटेड लिमिटेड क्वालिटी ऑफ, जैसे जैसे पब्लिक हेल्थ केयर जो है लिमिटेड होता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, पीपल आर, तो लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है, फिर वो जाते हैं प्राइवेट में, और उनको पता है प्राइवेट में खर्चा बहुत आता है, तो वो कर्जे तले आ जाते हैं। तो अराउंड 60 मिलियन पीपल बिकम इम्पोवराइज थ्रू पेइंग ऑफ हेल्थ केयर बिल्स इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद मोर देन अ फिफ्थ ऑफ पीपल डू नॉट सीक हेल्थ केयर डिस्पाइट बींग अनवेल, बीमार होते हैं लेकिन हेल्थ केयर नहीं देखते, क्यों? क्योंकि पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट टू हेल्थ इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर प्री रिक्विजिट, मतलब होता है रिक्वायरमेंट फॉर इंप्रूविंग हेल्थ सिनारियोज। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि थाईलैंड, क्यूबा, कोस्टारिका हैव अचीव यूनिवर्सल हेल्थ केयर। थाईलैंड ने तो हैज़ मेड क्वालिटी हेल्थ सर्विस ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट ही बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट बना दिया इसने तो थाईलैंड ने। ठीक है, और हैविंग अंडरटेकन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रिफॉर्म्स भी किए हैं हेल्थ सेक्टर में, टू अचीव गोल्स स्टेटेड इन हेल्थ एक्ट में, जो गोल्स थे उसको अचीव करने के लिए जो है रिफॉर्म्स भी किए हैं, और हेल्थ जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिटी हेल्थ केयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड राइट। ठीक है, उसके बाद क्यूबा का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्यूबा का एग्जाम्पल है, और इसमें सबसे ज़्यादा वो करने वाली बात है कि क्यूबा डिड द सेम थिंग कुछ कुछ डेकेड्स पहले। हेल्थ केयर इज अ राइट देयर, वहाँ पे जो है हेल्थ केयर भी, हेल्थ केयर एक राइट है, जैसे यहाँ पे है थाईलैंड में। द हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ क्यूबा आर सिमिलर टू दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। अच्छा, इसमें जो है कि देखिए, ये तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद बट दिस वॉज नॉट द सिनफ, इन्होंने 50 साल में, क्यूबा ने 50 सालों में ये अचीव किया है। तो देख रहे हैं आप, कुछ डेकेट्स यहाँ पे जो लिखा था वो 5 डेकेट्स था, नहीं सॉरी, 50 साल में जो है इन लोगों ने अचीव किया है। ये यहाँ पे लिखा है कि 5 डेकेट्स है वो, इन 1959 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन रूरल एरिया वॉज 100%, 100,000 लाइव बर्थ्स एंड हाफ ऑफ क्यूबाज डॉक्टर एंड हॉस्पिटल बेड्स वर इन हवाना। तो क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम जो है कैसे कैसे उन लोगों ने किया, वैसे वैसे एक मॉडल बना के जो है दूसरी कंट्री के लिए यूज़ किया जा सकता है। हमारी कंट्री उसको मॉडल बना के यूज़ कर सकती है, कंट्रीज लीडरशिप रिकोगनाइज इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके लिए जो है कंट्री के जो हमारे मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीडरशिप है उसको रिकोगनाइज करना पड़ेगा, हेल्थ की इंपॉर्टेंस, पब्लिक हेल्थ की इंपॉर्टेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड नॉट क्यूरेटिव मेडिसिन। तो कोई बीमारी जो है
वो क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो कोई बीमारी हो ही ना, ऐसे प्रिवेंशन ले लो इससे पहले कि वो बीमारी हो और क्योर लेने की ज़रूरत पड़ जाए. तो ये थे आज के एडिटोरियल्स. आपको कैसे लगे, आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल. और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं प्लीज़ उसके आंसर दीजिए ताकि जितना हो सके चैनल में एंगेजमेंट बढ़े. तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.